यहाँ पर हम सीखते हैं सिलाई। मैंने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है, मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे आते हुए, तो यह हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम घर बैठे अपना काम कर सकते हैं और हम अपना पैसा कमा सकते हैं। हमें कहीं पे कहीं जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपना काम घर बैठे अच्छे से कर सकते हैं और अपने घर वालों को भी फ़ायदा दे, अपनी लोकेलिटी में जो ये रहते हैं अपनी सोसाइटी में उनको भी हम ये बेनिफिट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि फेरन सीखा है, फ्रॉक सलवार सीखा है। ये बेस्ट है हमारे लिए कि हमारी लोकेलिटी में है शाइनिंग स्टार, यहाँ पे मतलब कोई भी लड़की यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर काम सीख सकती है, ये लड़कियों के लिए बेस्ट है। अगर हम मतलब बाहर जाएंगे तो हम अपना फ्रॉक सलवार सिलाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सिलाई बहुत महंगी होती है, आजकल महंगाई बहुत है। अगर हम ये सीखेंगे खाली हम अपना मतलब जो रोज़गार है वो हम चला सकते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है ताकि हम जो लड़कियां घर बैठे हैं वो अपना काम आसानी से कर सके। उन्होंने गवर्नमेंट ने मतलब हमें लड़कियों के लिए अच्छा इस पे मतलब फोकस किया है ताकि हम अपना रोज़गार कमा सके। जो हमारी तौहीदा मैम है उन्होंने हमें बहुत सारा फ़ायदा दिया है, इन्होंने यहाँ पे हमारी लोकेलिटी में ये शाइनिंग स्टार बुटीक खोला है। जो हमारी सारी लड़कियाँ हैं लोकेलिटी के उनको मतलब बहुत सारा बेनिफिट मिला है। हमें हम सारी मतलब लड़कियाँ ये सीखते हैं सिलाई, यहाँ पर बहुत सारी कोर्सेज भी होते हैं जो यहाँ पर लड़कियाँ आकर सीख सकती है। यहाँ पर 3 मंथ का कोर्स होता है, 3 मंथ में हम आसानी से पूरा ये सीख सकते हैं। हम यहाँ पर सीख के अपने घर में काम करना चाहते हैं, हम घर में आसानी से अपना ये चला सकते हैं, सिलाई टेलरिंग हम कर सकते हैं अच्छे से घर में। और हमने यहाँ पे मतलब मेहंदी भी सीखी है, मेहंदी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं, उसमें भी बहुत अर्निंग अच्छी होती है। हम घर बैठे मतलब मेहंदी डिज़ाइन लगाते हैं, बहुत सारी लड़कियां आती हैं हमारे घर में, हम घर बैठे लड़कियों को मेहंदी वगैरह लगाते हैं, ब्राइडल्स को मेहंदी लगाते हैं। हमने यहां पर बहुत अच्छी मेहंदी सीखी है। मैं आई थी 3 महीने का कोर्स करने यहां पे, मैंने पहले पेपरिंग पे कटिंग की, ड्राफ्टिंग की 10-15 दिन तक, उसके बाद मैं आई थी कपड़े पे, तो उसके बाद मैंने सीखी यहाँ पे ये स्टिचिंग और ये कटिंग। मैं घर में बड़ी हूँ क्योंकि हमारे घर में कमाने के लिए कोई नहीं है, और पापा है, भाई है और मैं हूँ। क्योंकि मैंने सुना बार बार क्यों मांगूंगी पापा से पैसे, मैं खुद आऊँगी, कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगी। उसके बाद मैंने सीख ली, अल्लाह का शुक्र है आज मैं सिलाई कर रही हूँ। स्टिचिंग बहुत काम आते हैं, ये इज़्ज़त काम है, इज़्ज़त वाली काम है, सोसाइटी का भी, सोसाइटी में भी इज़्ज़त है और घर में भी इज़्ज़त है। हम गवर्नमेंट के लिए बहुत मशगूल हैं क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत स्कीम्स निकाली, क्योंकि यहाँ पे हम भी आज कर रहे हैं और बहुत सारे लड़कियाँ आएंगे इंशाल्लाह और करेंगे अपने घर में भी काम, अपने ससुराल में भी, बाहर भी, जहाँ भी जाएंगे इज्जत से जाएंगे, इज्जत से। मैंने ये काम स्टार्ट किया है बचपन से ही, समझो जब मैं 8th में पढ़ती थी तब से मैंने स्टार्ट किया ये काम। मैंने सबसे पहले इसमें जो निटिंग होता है, कुरैशी वर्क होता है वो मैंने सीखा है। इसके बाद फिर मैंने वो नीडल वर्क, सोजनी वर्क वो सीखा है, और इसके बाद जो पश्मीना वर्क, हैंडलूम वर्क, कानी जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में, वो मैंने सीखा है। मतलब जितने भी कश्मीर के क्राफ्ट्स हैं वो मैंने सब सीखे है। जब 12th मैंने क्लियर किया, 12th के बाद मैंने ज्वाइन किया है बेमना ITI में। ITI में मैंने 1 ईयर डिप्लोमा किया है, फिर इसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग 3 ईयर भी किया है। तो इसके बाद मैंने फिर अपना यूनिट खोला है, अपना यूनिट मैंने खोला है शाइनिंग स्टार बुटीक नाम से। जब मैंने शाइनिंग स्टार बुटीक खोला उस पर मैं कपड़े स्टिच करते हैं मोहल्ले के भी, और मतलब जो लाते थे कपड़े, सबसे पहले जब मैं सूट मैंने पहला जब स्टिच किया है उसमें मुझे 50 रुपीज़ मिली थी, मैं उस टाइम बहुत खुश हुई थी। मतलब 50 रुपीज़ मिल के मतलब शुक्र ऊपर वाले का, मैंने अपने पैसे कमाए और अपने बिठा अपने घर में बैठ के। फिर लोग जो है वो बोल रहे थे हमारे बच्चों को भी सिखाओ ये वर्क, फिर मैंने उन बच्चों को भी सिखाया, उनको मैं पहले पैसे नहीं लेती थी। इसके बाद फिर मैंने
एक साल में मैंने 50-60 लड़कियों को ऐसे ही ट्रेनिंग दी। फिर इसके बाद मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है शाइनिंग स्टार ITI नाम से, जिस पे मेरी एफिलेटेड गवर्नमेंट के साथ है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ। फिर वो मैंने 2018 से मैंने स्टार्ट किया है। वो उसमें मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ITI में। ITI में मैं सिविंग टेक्नोलॉजी और हैंड एम्ब्रॉयडरी, उसमें फिर 1 ईयर डिप्लोमा, उसमें वो सीखते हैं कटिंग, टेलरिंग और ये फैशन डिज़ाइनिंग और सोजनी वर्क। जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें यहाँ पे, मतलब ये औरतें भी आते हैं, शादीशुदा औरतें आते हैं, वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में करते हैं, अपने कपड़े स्टिच करते हैं उनके लिए सबसे, चाहे लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाले, वो कोई भी स्कीम ले सकते हैं, चाहे PMGP स्कीम, मुद्रा स्कीम, ये KYC स्कीम और ये विश्वकर्मा स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनमें से कोई स्कीम ले अगर वो लेंगे तो वो अपना रोजगार कमा सकेंगे, उसी से अपने के पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, उनको कुछ पैसे कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट से उनको स्कीम्स लेना है। सर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ बहुत सारे कुछ प्रोग्राम्स भी हुए हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारे लड़कियों को यूनिट भी खोल के दिया है और बहुत सारे लड़कियों को यही स्कीम्स भी मैंने उनको बताई, इन स्कीम्स पर आप ये करो तो आप अपना रोजगार कमा सकते हैं। गवर्नमेंट तो बहुत सपोर्ट कर रही है इस स्कीम उस पर देने के लिए।